अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक है और मैं बागलकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से हूँ। मेरा सवाल यह है कि मेरा चेहरा जो है मैं बचपन से एक बार भी निकाला नहीं, तो मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। अब मैं जब भी इंटरव्यू को जाता हूँ तो चेहरे की वजह से मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ। तो क्या मैं इस चेहरे को शेप में वगैरह ला सकता हूँ, या इसको बारीक कर सकता हूँ, या क्या बारीक करने से जो जमाल कहते हैं ना, वो जमाल चेहरा जो है वो जाएगा? मेरे सवाल को जवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे तौफीक भाई हैं, इनका सवाल ये है कि ये जॉब करना चाहते हैं लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है इनकी दाढ़ी की वजह से। और दाढ़ी के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह इनका कहना ये है कि बचपन से इन्होंने दाढ़ी नहीं काटी, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है ये बात सुनकर कि बचपन से आप अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर कायम हैं कि आपने दाढ़ी नहीं निकाली है। अल्लाह ताला आपको इस्तेकामत अता फरमाए। तो आपने जो सवाल पूछा है, जाहिर सी बात है कि शरीयत में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि जॉब के लिए या किसी काम के लिए, रोजी रोटी के लिए आदमी अपनी शनाख्त जो है बदल दे, जो शनाख्त शरीयत को मतलूब है और शरीयत ने जिसे वाजिब कहा है। अगर आदात का कोई मसला होता, मामलात का मसला होता तो उसमें गौर व फिक्र किया जाता, लेकिन दाढ़ी का मसला बाकायदा दीन के अंदर शामिल हो चुका है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे रखा है वाफुल्लाहा वाफिरुल्लाहा, दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी को माफ़ कर दो, और ये वजूब के लिए है, ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है और इस हुक्म से इन्हराफ नहीं किया जा सकता, कैसी भी मजबूरी आ जाए। हाँ, एक बात हो सकती है, कोई आपको जान से मार रहा है, जान की धमकी दे रहा है, आपकी जान चली जाएगी, आप दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, तो वक्ती तौर पर टेम्परेरी चलो जान बचाने के लिए अगर आदमी ने दाढ़ी कटवा लिया तो वहाँ गुंजाइश है। लेकिन ऐसे रोजी रोटी कमाने के लिए आदमी दाढ़ी कटवा ले तो इसकी तो कतअन कोई गुंजाइश नहीं है। आपको कोशिश करते रहना चाहिए, और इंजीनियर आप तो बहुत सारे ममालिक में भी जॉब मिलती है, लोग काम करते हैं, बहुत सारे इंजीनियर ऐसे भी दाढ़ी रख के भी काम करते हैं। तो कुछ लोग होंगे जो मुतासिब होंगे, जो इस तरह से तासुब बरतते हैं, वरना अगर आप हौसला रखें, हिम्मत रखें तो इंशाल्लाह जॉब मिल सकती है। और आखिर में मैं ये बात दिवाजे कर दूँ आपके सामने कि इस तरह के जो मुतालबे होते हैं वो सिर्फ मुसलमानों से होते हैं कि आप दाढ़ी रखेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। देखिए, जो सिख हजरात हैं ये भी दाढ़ी रखते हैं, लेकिन ये दाढ़ी रखते हुए हर पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। खुद हिंदुस्तान में कोई पोस्ट ऐसी नहीं है जहां सिख को एक्सेस ना मिल सके। अगर वो काबिलियत रखता है तो वहां तक पहुंचने में कोई उसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने इस शियार को माना है और मनवाया है। लेकिन मुसलमानों का मसला ये है कि उन्होंने इस शियार को ना माना है ना मनवाया है। तो ये जो मुतालबा हो रहा है कि मुसलमान से दाढ़ी काट लो, क्योंकि मुसलमानों का बैकग्राउंड देख के मुतालबा होता है, यानी दुनिया ये समझ रही है कि मुसलमानों का दाढ़ी काट लेना इतना बड़ा मसला नहीं है। इनकी अक्सरियत दाढ़ी काटती है, बहुत सारे मुसलमान हैं बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे दाढ़ी नहीं रखते। तो इनका सोचना ये है कि मुसलमान जब खुद दाढ़ी को इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं और एक बड़ी तादाद दाढ़ी काट रही है, तो वो हमारे ऑफिस में अगर जॉब करना चाहते हैं तो हम उनसे इस मुतालबे का हक रखते हैं। लेकिन जो सिख हजरात हैं उनके यहाँ दाढ़ी को लेकर ज़्यादा सख्ती है और बहुत सीरियस है, उससे समझौते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। तो उनकी जो सोच है वो दुनिया वालों को मालूम है, दुनिया जानती है कि हम इनसे ये मुतालबा नहीं कर सकते, इसलिए वो मुतालबा नहीं करते हैं। लेकिन मुसलमान के बारे में जानते हैं कि ये ढुलमुल यकीन है, ये तो दाढ़ी काटता है, नमाज नहीं पढ़ता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। तो हमारा जो अमल है, हमारा जो तर्ज ज़िंदगी है, मुसलमानों का अमूमी तौर पर जो अमल है और दुनिया जो देख रही है जिस लिबास में, जिस भेस में, तो उसी हिसाब से ये मुतालबे होते हैं कि दाढ़ी काट लो। तो हम लोगों को तब्दीली लानी चाहिए अपने अंदर। अगर सारे मुसलमान इसकी पाबंदी करें तो मजा ले को ये मुतालबा करें, लेकिन पूरी कौम का ये हाल है कि उसने इसको कोई अहमियत नहीं दी है, इसलिए आसानी से कोई भी मुतालबा कर देता है कि दाढ़ी काटो। अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे, शरीयत का हवाला देंगे, तो सामने वाला कहेगा क्या इतने लोग मुसलमान नहीं है, क्या लोग मुसलमान नहीं है, लोग दाढ़ी नहीं रखते। तो ये मुसलमानों की अपनी कमी है कि इन लोगों ने, इनकी अक्सरियत ने जो है दाढ़ी के साथ ये बर्ताव किया, इसलिए उन्हें ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि कोई बंदा अगर दाढ़ी रखना चाहे, शरीयत पर चलना चाहे, तो उसके लिए मुश्किलात होती हैं। लेकिन बहरहाल ये मुश्किलात कितनी भी बड़ी हों, कैसी भी हों, ये इजाज़त और ये गुंजाइश तो नहीं दी जा सकती कि आप जॉब के लिए दाढ़ी छोड़ दें। हाँ, दाढ़ी के लिए आपको जॉब छोड़ने का मशवरा दिया जा सकता है कि आप जॉब छोड़ दें, कोई और काम करें, कुछ और देखें। और याद रखें कि पैसा कमाना हर एक के लिए आसान नहीं होता है, चाहे आपके पास काबिलियत हो, सलाहियत हो, कुछ भी हो, लेकिन इतना आसान नहीं होता है कि पैसा कमाना, दीन पे भी चल लेना और पैसा भी ले लेना
ये आसान नहीं होता है, क्योंकि जब दीन पर चलते हैं तो बहुत सारी आजमाइशें होती हैं। आप सिर्फ दाढ़ी की बात करते हैं, लेकिन अगर आप एक मौलवी को ले, मौलाना को दे, वो फुल पैकेज में होता है तो उसको कहीं भी जगह नहीं मिलती है। हत्ता कि उसकी जो अपनी पोस्ट होती है, इमामत कर सकता, वहाँ भी उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। तो क्या करे, वो ये सब चेंज कर दे, अपनी दुनिया बदल दे। वो तनख्वाह भी कम है, कोई इज्जत नहीं है, जिसको देखो जो सुना के जाता है, तो क्या करे, वो सब छोड़ दे काम। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं हलाल दायरे में रहूं, भले चार बार सुनने को मिले, भले कुछ पैसे कम मिले, लेकिन दुनिया किसी तरह से कट जाए, आखिरत बर्बाद ना होने पाए। तो इस एहसास के साथ कुछ लोग इस सिस्टम में हैं। तो आप भी ज़रा ये सारी चीज़ें सोचें कि अगर हराम ही कमाना हो और हराम पे चल के पैसा लेना हो, तो बहुत सारे रास्ते हैं, और बहुत सारे जो गरीब जो परेशानी में, वो भी अगर हराम की तरफ बढ़ जाएँ, शरीयत से समझौता करने बैठ जाएँ, तो वो भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पैसे नहीं कमा रहे, दुनिया की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे के अवज़ में अपनी शरीयत को नहीं बेचना चाहते। तो आपके लिए कहना यही है कि आपको इस बात की गुंजाइश तो नहीं दी जा सकती, कम से कम मैं तो कतई नहीं दे सकता कि आप दाढ़ी काट लें। अलबत्ता ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि आपकी ये पोस्ट छूटे, ये जॉब छूटे, या जो भी आपके अंदर काबिलियत है, सब धरी के धरी रह जाए। लेकिन इन सब के अवज़ में हम ये नहीं कह सकते कि आप दाढ़ी काट लो, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। या तो आप कहीं और ट्राई करें जॉब के लिए, या कोई और काम सोचें, लेकिन ये शरीयत का जो एक हुक्म है, आप चाहें कि कोई आपको ऐसा रास्ता बता दे कि आप इससे बरी हो जाएं और शरीयत का हुक्म ये आप पर लागू ना हो, तो ये कम से कम हमारी तरफ से तो ख़तर नहीं हो सकता। तो ख़ुलासा ये है कि शरीयत का जो हुक्म है वो हुक्म बाकी रहेगा, आपकी जॉब, आपका माल, ये सारी चीज़ें का बहाना नहीं चलेगा। बल्कि आप देखें, सबसे बड़ा मसला होता है रहाइश का। एक आदमी अपने वतन में है, अपने इलाके में है, अगर वहाँ वो अपने ईमान का, अपने अकीदे का तहफ़ नहीं कर सकता, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो एरिया छोड़ दे। तो ये जॉब छोड़ना तो छोटी चीज़ है, हिजरत कर दे, वतन छोड़ दे, अपना एरिया छोड़ दे दीन के तहफ़ के लिए। तो दीन के तहफ़ ये ज़्यादा ज़रूरी है, जॉब की उसके सामने कोई हैसियत नहीं है। उम्मीद है कि बात आपके लिए वाज़ेह हो गई होंगी। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को ज़रूर डोनेट करें।